वैसे तो जीतने वाली तो मैं ही हूँ। दीदी आप रेडी हो कि मैं बहुत अच्छा सैंडविच बनाने वाली। हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर चैलेंज। यस गाइस, आज हम करने वाले हैं 10 मिनट सैंडविच चैलेंज और हमारे मम्मी पापा टेस्ट करेंगे अपने सैंडविच का और जिसका ज्यादा डिलीशियस होगा वो होगा विनर। Yes guys, so before we start this video, don't forget to subscribe to our channel. जैसे कि आप देख सकते हो अपने पास बहुत सारी टेस्टी चीज है अपने सैंडविच में डालने के लिए। Yes, हमारे पास है इधर ब्रेड के स्लाइसेस, 2 eggs, पनीर, some butter, some dressings and some fresh veggies and also some peanut butter and jam. So guys, let's begin the challenge. वैसे तो जीतने वाली तो मैं ही हूँ, वो तो हम देख लेंगे। So both of you are ready? Yes. Okay. So your time will be starting now. So guys, मेरा प्लान है एक बहुत ही टेस्टी पनीर सैंडविच बनाने का। मजा ही आ जाएगा सबको खा के। और गाइस मेरा है कि मैं एक टेस्टी पनीर एंड एग बनाऊंगा सैंडविच। आई थिंक इतना पनीर काफी है। ओके गाइस, पनीर सैंडविच इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो इसीलिए आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी डिलीशियस। गाइस लाइक करना मत भूलना वीडियो को। तो अभी मैं ऑनियन लगा रहा हूँ, अब उसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ी टमाटर। ओके तो मेरा पनीर कट हो गया है, तो अब मैं फटाफट जाके इसको थोड़ा कुक कर देती हूँ। ओके सो अब मेरा ये पार्ट कंप्लीट है, अब मुझे थोड़ा सा पनीर चाहिए होगा। इतने पनीर। तो गाइस मैंने इधर थोड़ा ऑयल और कुछ मसाले डाल दिए है। ऑनेस्टली गाइस मुझे एक भी मसाले का नाम पता नहीं है, मैंने कुछ भी डाल दिया है, बट होपफुली इट टेस्ट्स गुड। सो आखिरी में थोड़ा सॉल्ट पता नहीं। ओके नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू लेट इट कुक। अभी मैं थोड़े अनियंस डालने वाली हूँ पहले कुक होने के लिए। ओके गाइस, तो जब तक ये कुक हो गया है हम चेक करते हैं कि हमारे ब्रेड टोस्ट हो गया कि नहीं। ओके ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अभी मैं सिर्फ ऑफ कर देती हूँ टोस्टर, इधर ही रख देती हूँ, बाद में इसे हम निकालेंगे। अनियंस अच्छे से मैं ऑयल में कर रही हूँ। Few moments later. ओके ओके गाइस, तो अभी मैं इसको लेके जाके प्लेट में रख देती हूँ। ये पनीर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन हमें अभी फटाफट जाना पड़ेगा बाकी सैंडविच बनाने के लिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए भुर्जी टाइप बना दिया है और फिर मैंने गलती से उसे पूरा सेटअप कर दिया था इस ब्रेड में, और फिर मैं भूल गया था उस ब्रेड में बटन लगाना है, इसलिए हम जल्दी काम करते हैं। गाइस अपने पास टाइम बहुत ही कम है। मेरा पनीर बहुत टेस्टी बना है, अब मैं कॉपी करूंगा। थैंक्स। चीटर। आराम से, कोई जल्दी नहीं, चाकू से बहुत आराम से। ठीक है ओके, अभी हम लोग इसे यहाँ पर लगाएंगे क्विक। अब ये रख चुका है बटर, अब हम लोग इसे अच्छे से स्मैश करेंगे। पूछिए ना, चलो बंद करते हैं वीडियो क्विक बंद। ओके सो अभी हम ये करेंगे। हाँ अभी मैं थोड़ा पापा की हेल्प लूंगी, मैं छोटा हूँ और छोटे बच्चों को फ्लेम से दूर लेना चाहिए। पापा ने अभी गैस ऑन कर दिया, अब मुझे ऑयल डालना होगा क्या? नहीं आपको जरूरत नहीं, ऑयल है उसमें ऑलरेडी। एक आइडिया मेरे पास, हम लोग पनीर को इसमें थोड़ा अभी थोड़ी देर यहाँ पकेगा और फिर ये जो चीज़ है टेस्टी।
जब हम लोग अब अच्छे से ऐसे तोड़ तोड़ कर देंगे। आई थिंक गाइस ये पनीर थोड़ा कम है, हम थोड़ा सा और पनीर डाल देते हैं। ओके, थोड़ा और पनीर डाल देते हम लोग। गुड इनफ। नहीं, ओके, अब हम लोग थोड़ा ऐसा अच्छे से कुक कर देते हैं। तब तक हम लोग चेक करते हैं वेट का क्या है। नो, नहीं वेट अभी। ओके, सो अभी से अच्छे से होने देते हैं हम लोग कुक। हम लोग तब तक इसे कुक करें जब तक ये येल्लो ना हो जाए पनीर। ओके, क्योंकि दीदी का येल्लो हो गया था इसलिए। हाँ, उसके लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना होता है। सब पर ऑयल क्या डालना है? थोड़े मसाले डाल दो आप। ठीक है, सॉल्ट सॉल्ट। ओह, ऐसे नहीं बता सकते। सॉल्ट डालेंगे और फिर अब हम लोग इसमें सब गरम मसाला डालते हैं ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा सा जो भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, बस मुझे इतना पता है कि इससे थोड़ा सा मिर्ची आई टाइप आएगा। अब करेंगे थोड़ा काला नमक, थोड़ा ये भी डाल देते हैं जो भी है। 12 seconds later. I think अपनी ब्रेड अब तक बन गई होगी एंड आई थिंक दिस इज गुड इनफ। ओके, सो अब हम लोग लेंगे थोड़ी ब्रेड। अब हम लोग एग को जल्दी से एक मसाले में डाल देते हैं जो भी होता है उस बर्तन। मुझे एग मिल चुका है। जब आपका गुड है ना। ओके रुको गाइस, इस बात में लाइक कर दो। आपका एग मैं बना देता हूं। ठीक है, ओके। गाइस अब हम लोग अपने पनीर को टेस्ट करते हैं। गुड ना। रुको एक सेकेंड, अपने पनीर को थोड़ा ऐसे इस चीजों के साथ क्या कर रहा। माय गॉड, दिस इज सो गुड। इस पे आपको थोड़ा नमक नमक कुछ डाल दे। हाँ नमक। हल्का सा और एंड नाउ दिस इज ओवर। ये येलो पार्ट हम लोग बहुत सारा डालेंगे क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है। हो गया, निकाल दूं? हाँ। ओके, सो अभी मेरा ऑमलेट निकल चुका है बाहर एंड नाउ आई थिंक अभी मुझे ये बनानी चाहिए ब्रेड। लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी मैं थोड़ा मेयोनीज डालने वाली हूँ अपने ब्रेड पे। और गाइस हम लोग पहले मेरा एग टेस्ट करेंगे। दिस इज सो गुड। तो गाइस मैं बहुत सारा मेयोनीज डालूंगी क्योंकि आई वॉन्ट माई सैंडविच टू बी मॉइस्ट एंड नॉट ड्राई, ताकि एक्स्ट्रा ड्रेसिंग की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज दैट इज यूजुअली व्हाट हाउ आई लाइक माई सैंडविचेस पर्सनली। एंड आई एम नॉट यूजिंग टोमेटोज क्योंकि मैं अपना सैंडविच थोड़ा वार्म बना रही हूँ एंड पर्सनली मुझे वार्म सैंडविचेस में टोमेटोज पसंद है। दोनों तो खा रहा है बैठ के। टेस्ट टेस्ट। What? अभी हम लोग थोड़ा और डाल देते हैं एग, सॉरी पनीर। ओके, सो अब हम लोग डालेंगे एग, हल्का सा एग। दिस इज गुड इनफ। थोड़ा यहाँ पर हम लोग मेयो डालेंगे। गुड इनफ। ओके सो अब मैंने मेयोनीज स्प्रेड कर दिया है। अब मैं पनीर डालने वाली हूँ उस पर, अच्छे से डालूंगी मैं एकदम भर के ताकि एकदम पनीर लोडेड सैंडविच मिले विच वुड बी सो डिलीशियस। ओह माय गॉश गाइस, आप लिटरली देख सकते हैं यहाँ येलो पार्ट दिख रहा है। ओके सो इधर हम लोग थोड़ा सा ऑनियन डाल देंगे क्योंकि ये येलो पार्ट कवर हो जाएगा। ओके सो दिस इज एक्चुअली लुकिंग सो गुड गाइस। अगर कुछ एक्स्ट्रा पनीर बचा तो मैं वो खा लूंगी क्योंकि मुझे बहुत
टेम्पटिंग लग रहा है। ओके सो अब हम लोग थोड़ा इधर ये डालेंगे। ओके गाइस दिस इज अमेजिंग। अब मैं थोड़ा लेट्यूस काटने वाली हूँ। ओके ओके सो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा अच्छे से मेयो डालेंगे। तो नो मेरा सैंडविच तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड वेल एक्सपेक्टेड गाइस ऑनेस्टली दिस इज लुकिंग सो डिलीशियस। आई पर्सनली लव लेट्यूस तो इसमें बहुत सारा डालूंगी, मजा ही आ जाएगा। ओके सो अभी हम लोग लेट्यूस आपको कॉपी कर रहा हूँ। ओके तो मैं और मेयो डालूंगी थोड़ा ताकि ये स्टिक हो जाए अच्छे से एंड अ लिटिल बिट मोर पनीर प्रॉबेबली। ओके हाँ ओके सो आई थिंक दिस सैंडविच विल टेस्ट सुपर गुड। तो मैं इसे बंद कर दूंगी। ओके सो आई थिंक दिस इज लुकिंग वेरी गुड राइट नाउ। तो अभी क्योंकि ये ब्रेड थोड़ी ठंडी हो गई है क्योंकि यू नो मेयोनीज भी ठंडा थोड़ा टाइम हो गया, देन आई सो आई एम गोइंग टू पुट इट बैक इन द टोस्टर ताकि अच्छे से प्रेस और साथ में स्टिक भी हो जाए। तो चलिए करते हैं। तू भी कर लेना ना। चलो अभी मैंने थोड़ा पर ये डाल दिया क्या कहते हैं पनीर। अब हम लोग इसे अच्छे से कवर अप कर लेंगे एंड अब मुझे नहीं पता कि मैं इसे अच्छे से कर भी पाऊंगा कि नहीं। ओ बाप रे ये तो ओवर ही बड़ा हो चुका है, सारी चीजें बाहर निकल रही है। अब क्या करें हम लोग, अच्छे से हम लोग पहले प्रेस करेंगे एंड नाउ आई थिंक दिस लुक्स परफेक्टली फाइन। यू नो ये जो ऐसे थोड़े से बाहर निकल रहे सारी चीजें हम लोग इसे रख देंगे इधर। एक्सक्यूज मी Wow, look at my lovely sandwich. अब हम इसे प्लेटिंग की ओर ले जाएंगे। I'm going to be very careful with the plating because I want to keep it neat and clean. So I'm just going to cut this from the middle, ऐसे। Okay, so अब हम लोग इधर डालेंगे। Fresh. Hopefully ये सारा निकल ना जाए filling. Okay guys, so I'm going to I think put some paneer in the middle या शायद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ketchup डालूँ कि उससे थोड़ा color आएगा plate में, it will look vibrant and I think I have heard it somewhere कि red color actually evokes hunger. A few inches later, I think guys ये भी हो चुका है. Oh my gosh, this looks amazing. Okay, oh. ओके सो अभी हम लोग थोड़ी प्लेटिंग करेंगे। ओके सो अब हम लोग यहाँ पर ऐसे थोड़ा साइड में से मेयो लगाएंगे। थोड़ा गंदा लग गया पर कुछ नहीं होता, थोड़ा ठीक कर सकते हैं उसका शेप। देख लेते कौन जीतेगा। फ्लेवर वाइज तो मेरा बहुत ही लाजवाब है। ओके गाइस दिस इज एक्चुअली लुकिंग प्रिटी ओके, आई मीन नॉट दैट बैड। ओके ओ वाओ दिस इज अ ग्रेट आइडिया दैट आई फाउंड। ओके गाइस तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा मेयो डाल दिया ताकि थोड़ा टेस्ट आ जाए और फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे डालेंगे हम लोग कुकुम्बर्स इधर थोड़ा साइड में। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट सम लेट्यूस इन द एट द एजेस ऑफ द प्लेट। गाइस मैंने थोड़े से कुकुम्बर्स डाल दिए यहाँ पर और अब हम लोग यहाँ पर टोमेटो आई डोंट थिंक। ओके तो इधर हम लोग थोड़ा ये डाल देते हैं इधर लड्डू। सो गाइस आप सोच रहे हो मैंने मेयोनीज ऐसे ही डाल लिया, मैं एक्चुअली नहीं, मैंने बहुत ही यूनिक स्टाइल में डाला है। एक जगह मैंने ऐसे डाला फिर उसके ऊपर एक डाला है। क्या यस ठीक। ओह माय गॉड लुक ये प्लेट देख के आपको नहीं लगता मैं ऑलरेडी विनर हूं। दिस प्लेट लुक्स लवली। ओह माय गॉड वाओ। लेकिन इसमें जो कौन भी देर हो Okay.
दोनों बार बार ऐसे चाटो मत कुछ भी चीज। आई थिंक अभी